सो हेलो ऑडियंस, कैसे हैं? लेट स्टार्ट क्लाइंट एग्जाम। सो दिस इज द लिंक, ओपन इन क्रोम ब्राउजर। ओके, व्हाट हैपन, क्या होता है? आई थिंक सडनली याद आया टेस्ट देने के लिए, तो अभी दे रहा हूँ। एंड ईमेल में यहाँ पे क्लिक करने को बोला था ना, मैं भी यहाँ पे ही बोला होगा यहाँ पे। तो गाइज ये क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। चलिए जैसे भी हैं शुरू करते हैं। फॉर क्यूरीज फाइनल लेसन्स इंग्लिश यूएस प्लीज फॉलोइंग द रिजल्ट शुड बी रेटर फेल्स टू मीट प्लीज ऑल दैट अप्लाई। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर द क्यूरीज पेनो लेसन्स इंग्लिश यूएसएस विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट शुड बी रेटर फर्स्ट टू मीट द सीक्रेट दैट अप्लाई। अल्डेस्ट कम्युनिटी पेनो स्कूल इन यूएस। क्या हो गया यार, फिलहाल मैं फेल्स पे करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या माइंड में आता है। वी आप एंड तक देख के ही नोट डाउन कर लेना, ठीक है? फिर बोलोगे कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट देखते हैं क्या उसको सही आगे। ट्री होना चाहिए। रिजल्ट विद इंफॉर्मेशन ऑन रेटर फॉर बॉलेट एंड मॉडर्न डांस क्लास, डांस क्लासेस। ए रिजल्ट अबाउट द पेनो, अ रिजल्ट अबाउट द पेनो डिपेंड ऑफ ए वेल नाउन म्यूजिक स्कूल्स। तो इसका फेल्स होना चाहिए। ओके और गाइस ध्यान से सुन लो। एंड एन आर्टिकल विथ द रिकमेंडेशंस ऑन द बेस्ट एज ऑफ द चिल्ड्रन टू स्टार्ट टेकिंग पियानो लेसन्स। तो इसका भी फेल्स करना है आपको। ओके गाइस, गाइस यार ये वाले नहीं आ रहे हैं, चले ये करते हैं पहले। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सेलेक्ट द अप्लाई। ट्रू और फॉल्स, ऑल फॉरेन लैंग्वेज रिजल्ट शुड बी रेटेड फेल्स टू मीट। नहीं, ये फेल होगा। ओके, पेज विथ फॉरेन
A page with foreign will should get collect query for foreign result true and form result should form result should never get high meet to fully meet rather yeah fail and रुकते हैं क्या है? स्किप कर ले नहीं फॉर्म फॉरेन लैंग्वेज डिडंट लॉट एंड फर्स्ट कितने रह गए हैं एक दो तीन तीन चार 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 आठ ये बाकी रह गए इसमें क्या है For result to get fully meet rating, the queries user need. ये सोचना पड़ेगा एंड गाइज मैं आपको गलत तो नहीं बताऊंगा बट जो भी आ रहा है देख के सोच के बताता हूँ क्या यार हो सकता है एनीथिंग हेल्प सो गाइज विच इज द फॉलोइंग है इसमें सेकेंड क्वेश्चन में मैं कंफर्म नहीं हूँ ठीक है मैं बता रहा हूँ इस पे यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ ओके तो आप अपने हिसाब से देख लें ठीक है गाइज यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इस नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से सुनिए एंड मेन कंटेंट शुड बी क्रिएटेड द टाइम एफर द एक्सपर्ट शुड बी कॉपीड फ्रॉम अनदर सोर्स ट्रू मैं ट्रू ही करूँगा आपको जो लगे वो कर लेना बट आई एम नॉट श्योर बट आई एम 50% श्योर या ट्रू मैन कॉन्टेक्ट में इंक्लूड लिंक्स ऑन द पेज ट्रू Main contact does not include features like search boxes, true and high quality main contact allow the page achieve the purpose as it's well, true. तो इसका मैं सब पे true true करूँगा, ओके? सेकेंड पे पढ़ते हैं वॉलमार्ट पोस्टमैन क्या है यार
छोड़ो, चले करते हैं ये वाला, नीचे वाला। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ट्रू लग रहा है, ठीक है ना गाइज। गाइज प्लीज डोंट मेक मिस्टेक, अब तक यहाँ पे यहाँ तक मैंने किया ना कोई मिस्टेक नहीं की, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है दूसरे वाले, पिछले वाले में दूसरे वाले में कंफ्यूज लग रहा था, इस वाले में भी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्यूरीज विच द एक्सप्लेन लोकेशन सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वॉलमार्क बोस्टन इंग्लिश यूएस। ये ट्रू है एंड एलिफेंट इंग्लिश, ये भी ट्रू है। एंड कॉफी शॉप्स नियर बाय, ये लोकेशन थोड़ा ढूंढना मतलब थोड़ा मतलब डिफरेंट लग रहा है, तो ये मैं फेल्स कर रहा हूँ। एंड बेस्ट बाय न्यूयॉर्क, बेस्ट बाय न्यूयॉर्क, ये भी फेल है। नहीं हाँ ये भी फेल है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ गाइज। विच इज द फॉलोइंग इन क्यूरीज द लोकेशन सेलेक्ट द डेट अप्लाई इंग्लिश वॉलमार्ट बोस्टन, इसका ट्रू है।
एंड लाइब्रेशन सेन प्रेक्स डिको इंग्लिश, क्योंकि इसका भी ट्रू है। कॉपी शॉप नियर बाई इसका फेल्स है। बेस्ट बाई न्यू रॉक इसका है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट खुल गया है गाइस। कितना आएगा यार? मैं याद दिला दूं, पार्ट वन है, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। अगर ये पास होगा तभी पार्ट टू में खुलेगा। इफ यू थिंक्स एवरी मिसिबल विद द फॉलोइंग शुड यू डू सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। तो इसका मीट रेटिंग्स इसका फेल्स होगा। ठीक है, ठीक है गाइज, इसका फेल्स। एंड दूसरे का रिलीजेट द टास्क इसका भी फेल्स होगा। एंड फॉर ऑब्वियसली मिसफाइल्ड मैसेज द नीड टू मीट रेटिंग ऑन यूजर इंटेंट इसका ट्री होगा। एंड फॉर ऑब्वियसली मिसप्लेस द क्वेरी द साइन इज द लोवेस्ट पेज क्वालिटी पी रेटिंग इसका फेल्स होगा, है ना। यानी कि फेल्स 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 एंड फॉर ऑब्वियसली मीट वाला ट्री बताया है। ठीक है, उनका ट्री बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेबसाइट क्वेरी सिलेक्ट एंड अप्लाई। इसका फेल्स होगा, इसका ट्रू होगा। मम्मी मम्मी ओ मैप फेल्स फेल्स। चोस ना क्या है यार, जैसे आ रहे हैं।
Which of the following about page layout selection are that apply? The main content of the website, the general content, the customer reviews, the website return, shopping page. The main So guys can't wait, लिस्ट मोड सबमिट एंड इसमें लास्ट में लास्ट वाले का इसका है ना पहले का फेल्स एंड
सेकेंड सेकेंड थर्ड में ट्रू एंड फोर्थ में फेल्स, ओके, एंड थर्ड में ट्रू, ओके, एंड लेट्स सबमिट। गाइज आगे का पेज खुल चुका है, रेडी रह जाइए, पढ़ना शुरू कर लीजिए। अभी तक 9 क्वेश्चन है, टोटल टोटल 30 क्वेश्चन मेल में लिखे थे ना यार, 30 क्वेश्चन में भी। या देखते हैं क्या होता है। गाइस स्टार्टिंग, विच इज द फॉलोइंग ट्री सिलेक्ट एंड दैट अप्लाई ट्री फेल्स ट्री फेल्स रिसिंग द क्यूरी डेस्टिनेशन सी एफ आर पी आर फेल्स सी आर पी फेल्स द टास्क लोकेशन इंपॉर्टेंट Important that a language on the topic result in the right language are always helpful user in the local या ट्री होना चाहिए, एग्जैक्टली या ट्री। एक्चुअली कैन हैव मोर देन 3 कॉमन इंटरप्रिटेशन, दिस इज द फेल। सो गाइज प्लीज नोट नोट डाउन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फोर्थ पेज। फर्स्ट इज फेल, सेकेंड फेल्स, थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ एंड फेल्स, ओके। डोंट मेक मिस्टेक, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं। एंड दिस इज द फॉलोइंग यार, सुपर वो कौन सा होगा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूरिंग हैंड द विजिट द प्रेजेंटेड डेट सुपर वो पिक्चर ऑफ मैंडेटरी फेसबुक प्रपंड अबाउट पर लिस्ट ट्रियो 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 ट्रियो, इस पे आप ट्रियो ट्रियो कर लेना। ओके ओके गाइज, ट्रू होना चाहिए ना यहाँ पे, क्या पता। पेज विद इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस शुड ऑलवेज बी गिवन द हायर पेज क्वालिटी रेटिंग देन एंटरटेनमेंट और गोसिंग पेजेस। यार ना ना ना,
ऐसा कोई थोड़ा जरूरी थोड़ी है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पर्पज ऑफ द पेज एंड द पेज क्वालिटी रेटिंग। इफ यू कैन नॉट डिटरमाइन द पर्पज ऑफ द पेज आफ्टर एक्सटेंसिव एफर्ट द पेज क्वालिटी रेटिंग शुड बी लोएस्ट। हाँ तो ये तो सही होना चाहिए ना, आपको क्या लगता है? जो लगता है वो कर लेना, ऐसा थोड़ी है। यहाँ देखने आए हैं तो सही देख के ही जाओगे, सही करके आओगे। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पर्पस ऑफ द पेज एंड पेज क्वालिटी। यार ये थोड़ा कंफ्यूज है, क्या कर। स्कूल में पहले हम कैसे करते थे, और एकम दुक्कम तुक्का तुक्का इतना रिसर्च करते हैं ना। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन पर्पस ऑफ द पेज। क्या करेगा ये, फेल्स करते। देर इज नो रिलेशनशिप पर्पस ऑफ पेज क्वालिटी, फेल्स।